हेलो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम वेव ऑप्टिक्स का है, YDAC, जो इसको स्टडी करते हैं अपन लोग यंग्स डबल स्लिट को। तो कहता है स्लिट है जिसका सेपरेशन 0.5 mm है और स्क्रीन तक का डिस्टेंस है 150। कहने का मतलब है जो छोटा वाला डी है आप लोगों का बच्चों, वो 0.5 mm है और कैपिटल्स में जो डी होता है मतलब स्क्रीन तक का डिस्टेंस, वो हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। फिर कहता है एक ऐसी लाइट है जिसके पास दो दो वेवलेंथ हैं। अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल समझने के लिए यूज कर लिया है इसको। अब ये मान के चलो कि यहाँ पर दो दो वेवलेंथ एक साथ चल रहे होंगे, तो दोनों वेवलेंथ को आपस में कोई लड़ाई बढ़ाई तो करनी नहीं है। इन दोनों के पैटर्न्स यहाँ दिखाई तो देंगे लेकिन ओवरलैप करते हुए दिखाई देंगे एक साथ, ठीक है। उन लोगों की विड्थ में थोड़ा बहुत फर्क आएगा बिकॉज उन लोगों का वेवलेंथ अलग अलग है। देखो क्वेश्चन के अंदर, सपोज ये पहले का पैटर्न है और किसी और का पैटर्न होगा तो वो भी इसके ऊपर से इस तरह से ऐसा ओवरलैप करता हुआ जाता दिखाई देगा। ये कहाँ पे कोइंसाइड करेगा ये अपन को सिंपल सा एक कंसेप्ट समझाया जाएगा। तो यही यहाँ पे पूछा गया है कि इंटरफेरेंस फ्रिंज स्क्रीन पे बोलता है और कम से कम क्या डिस्टेंस होना चाहिए कॉमन से, मतलब सिमेट्रिक पॉइंट से क्या डिस्टेंस होना चाहिए, किसी एक डायरेक्शन में अगर चल के जाए अपन क्या डिस्टेंस होना चाहिए जहाँ पे ऐसा लगे कि दोनों के दोनों एक साथ कोइंसाइड कर रहे हो, राइट। तो हम सबसे पहले तो इसमें फ्रिंज विड्थ निकाल लेते हैं। तो विड्थ का फॉर्मूला अपन लोगों को याद होता है, विड्थ का फॉर्मूला जिसे अपन बीटा से देखते हैं उसको, तो लिखते हैं ना लैम्डा ऑफ डी डिवाइड बाय डी। कोइंसिडेंटली ये तो दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि ये तो अरेंजमेंट की बात है बेटा, YDAC के अरेंजमेंट में दोनों सेम हो जाएंगे। तो आप अगर यहां पर बीटा देखोगे, बीटा 1, तो हो जाएगा लैम्डा 1 डी बाय स्मॉल डी। सिमिलरली आप बीटा 2 देखोगे तो ये हो जाएगा लैम्डा ऑफ 2 डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। अब यहां से अपन सीधा सीधा निकाल लेते हैं बीटा 1 डिवाइड बाय बीटा 2, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, जो कि है लैम्डा 1 है आपका 650 नैनोमीटर और ये हो जाएगा 520 नैनोमीटर। पेपर में आया तो यहाँ से करना है बच्चों, ये यूनिट्स हटा दो सब खत्म कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/4 इज इक्वल्स टू बीटा 1 बाय बीटा 2। दिस इम्प्लाइज कि चार बैंडविथ फर्स्ट वाले की बराबरी कर जाएंगी 5 फ्रिंज सेकेंड वाले की, है ना। 4 फ्रिंजेस फॉर फर्स्ट बराबर किसके हैं, 5 फ्रिंजेस फॉर सेकेंड। ऐसे समझ के चलो कि यहाँ पे 4 फ्रिंज फर्स्ट वाले की जहां बनेंगी उतने ही डिस्टेंस में 5-5 फ्रिंज किसकी हो जाएंगी, सेकेंड वाले की हो जाएंगी। और इसी डिस्टेंस को अपन लोग सेंट्रल पॉइंट से कहते हैं कॉमन पॉइंट, ये हो जाएगा कॉमन पॉइंट, ठीक है। इस कॉमन पॉइंट को निकाल लेते हैं, तो इसको पहले अपन फाइंड कर लेते हैं और उसी की न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो लिख लो 5 टाइम्स, कोई भी एक सॉल्व कर सकते हो, 5 टाइम्स ऑफ बीटा 2, बीटा 2 ये लिखा हुआ है, मतलब लैम्डा 2 का टर्म आएगा 520, नैनो का मतलब होता है -9, मल्टीप्लाई बाय डी मतलब कैपिटल वाला है तो 150 सेंटीमीटर्स में हो जाएगा, तो आपको -2 लिखना चाहिए बच्चों, और साथ ही साथ नीचे की तरफ आ जाएगा 0.5 mm हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। डेसिमल हटेगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 ये 10 ये, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इस 5 से ये 5 चला जाएगा बच्चों, तो आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 520 मल्टीप्लाई बाय 15। ये ऊपर लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, 10^-6 हो जाएगा ये, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 780 और एक और 0 लग जाएगा इसके साथ, और मल्टीप्लाई करोगे तो 10^-6। सॉल्व कर लेते हैं, 3 0 यहाँ भेजो तो कितना हो जाएगा, 7.8 × 10^-3 हो रहा है, और जो कि आपका सीधा सीधा हो सकता है 7.8 mm, मतलब ये वो डिस्टेंस है 7.8 mm की जहां पे ये दोनों के दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, मतलब ओवरलैप कर जाएंगे और लगेगा कि वहां पर एक ही फ्रिंज बनी है। तो ऑप्शन मार्क करेंगे तो सेकेंड वाला आ रहा है बेटा। पहले करना है यहाँ पे बीटा 1 बीटा 2 फाइंड कर लो, उसके बाद उसका रेशियो देखा है, या तो ये सॉल्व कर लो या तो ये सॉल्व कर लो, आपका आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।